हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग से बताने वाला हूँ कि प्रशिक्षु प्रमाण पत्र का जो फॉर्म होता है ना, वो आपको कहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स, सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा मेरा, तो उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने ये बताया है कि प्रशिक्षु प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों होती है, उस फॉर्म को कहाँ से कैसे भरते हैं और उसकी जो ज़रूरत होती है मेन, ठीक है, वो कैसे होती है। तो फ्रेंड्स सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें हैं ये। फ्रेंड्स अगर आपको सुपरवाइज़र बनना है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। फ्रेंड्स जिसके पास भी, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क नहीं करते हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्टर का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो फ्रेंड्स उन्हीं लोगों से मैं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर जिस भी कैंडिडेट को प्रशिक्षु प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर अंडर में काम करते हैं, तो वो मेरे से उसका फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे लेना है मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिएगा, उसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, मोटर मशीन से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से भी रिलेटेड कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स उनको भी ज़रूर वॉच करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम। मैं फिर आपसे फ्रेंड्स बोल देता हूँ, अगर आपको प्रशिक्षु प्रमाण पत्र का जो PDF है, जो एप्लीकेशन अपनों करना है ना, आवेदन, उसका फॉर्म अगर आपको चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसमें मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा जो मोबाइल नंबर है ना, आप उसमें मेरे को कॉन्टेक्ट करिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स फ़ोन अगर मैं ना भी उठाऊं, तब भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूंगा, फिर आप उस फॉर्म को फिल करिएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है उसका, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जाना है भोपाल, ठीक है, भोपाल में उसको सबमिट करना है, ठीक है, उसके 2 साल बाद 3 साल बाद, ठीक है, जब तक का आपको चाहिए है, तब ये प्रशिक्षु प्रमाण पत्र, ठीक है, ट्रेनी सर्टिफिकेट मिलता है। तो फ्रेंड्स वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो, ठीक है, कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ ट्रू इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकें, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बन सकें। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।